गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ बेटा, आप हैं हंसराज सर के साथ। कल अपन मुझे इसके जस्ट पीछे जो कल वीडियो बना था उसमें था, उपसर्ग के बारे में बताया गया था। उपसर्ग, उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग के प्रकार, उपसर्ग कहते किसे हैं। तो कल अपन ने पढ़ा था कि उपसर्ग कोई शब्द नहीं होता है, शब्दांश होता है। और इंग्लिश में उपसर्ग का इंग्लिश वर्ड होता है प्रीफिक्स। प्री यानी पहले, फिक्स यानी लगने वाला, जो पहले लगने वाला होता है वो प्रीफिक्स होता है, लेकिन वो मुख्य शब्द नहीं होता, वो उसका एक अंश होता है। उसके प्रकारों के अंतर्गत जब अपन बात कर रहे थे तो सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग थे, तो संस्कृत के उपसर्ग अपन ने कल पढ़ लिए थे। आज हम हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग, संस्कृत के कुछ अव्यय, उपसर्ग और अव्यय दोनों में अंतर है, तो अव्यय जो है वो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के उपसर्ग में जो कल अपन ने संस्कृत के पढ़े थे उसी प्रकार से आज हिंदी के उपसर्ग हैं। उसमें सबसे पहला उपसर्ग है अध। अध मतलब अर्थ होता है आधा, अध यानी आधा। ये आधा किस प्रकार से होता है, जैसे पका में अध लग गया, अध पका आधा पका हुआ, अध पका आधा पका हुआ, अध जला आधा जला हुआ, अध खिला आधा खिला हुआ, अध मरा आधा मरा हुआ, पूरा नहीं, मरा यानी पूरा मरा हुआ, लेकिन अध मरा यानी आधा मरा, अध पका यानी आधा पका हुआ। तो अध जो है वो उपसर्ग है, पका से पहले जुड़ा है, जला से पहले जुड़ा है, खिला से पहले जुड़ा है, मरा से पहले जुड़ा है, तो ये उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है आधा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आधा है वो शब्द जुड़ेगा तो जो जिस शब्द के पहले जुड़ेगा उसका आधा हो जाएगा, तो ये आपका अध उपसर्ग हुआ। अगला है कु। कु यानी बुरा। कु हिंदी का उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है बुरा, नए शब्द है, जैसे कुसंग, संग साथ, कुसंग बुरे लोगों के संग। कुरूप, रूप, रूपवान सुंदर, कुरूप भद्दा बिना रूप वाला। कुचाल, चाल गति, अच्छी चाल चलन, कुचाल गलत चाल चलन, गलत संगति। कुमति, मति बुद्धि ज्ञान, कुमति गलत, कुमति गलत दिशा की ओर जाने वाला, गलत बुद्धि चलाने वाला, फालतू का दिमाग चलाने वाला, गंदे कामों में दिमाग चलाने वाला, वो कुमति। इसी प्रकार से अगला होता भर। भर इसका मतलब होता है पूरा, भर अर्थ होता है पूरा, जिस प्रकार से भर पेट यानी पूरा पेट भर करके, पूरा पेट भरना, जैसे किसी को एक रोटी की ज़रूरत है लेकिन उसमें बढ़िया से पूरा भर के जम के खाया तो हो गया भर पेट खाना। भरमार यानी बहुत ज़्यादा, ज़्यादती होना, बहुत ज़्यादा भरसक, जितनी शक्ति होती है उसके अनुसार उससे पूरी ताकत लगा देना, भरसक कोशिश करना, जितना कर सकते हैं उतनी कोशिश करना। भरपूर, पूरा जितना हो सकते हैं, जितना पूर सकते हैं, जितना कोशिश कर सकते हैं उतना, उसको बोलेंगे भरपूर यानी पूरा का पूरा। भर पेट, पूरा पेट भर के, भरमार पूरी की पूरी मार, भरसक पूरी शक्ति के साथ, भरपूर पूरा अपना सब कुछ जी जान लगा देना। अगला हिंदी का ही उपसर्ग है नी। इसका मतलब होता है नहीं। निठल्ला यानी जो ठल्ला नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कुछ बिल्कुल ठाला ठूला बैठा हो, निठल्ला। निहत्ता जिसके हाथ में हत्ता, हत्ता नहीं है यानी जिसके हाथ में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हत्ता यानी जिस किसी को अपन पकड़ते हैं तो उसका हत्ता होता पकड़ने का, वो नहीं है यानी बिना किसी हथियार के, बिना किसी चीज़ के। निकम्मा बिना किसी काम का, वो बोलते हैं निकम्मा। निडर बिना किसी डर के, जिसको किसी का डर नहीं होता वो निडर होता है, जिसके पास कोई काम नहीं होता, जो कोई काम नहीं करता वो निकम्मा होता है, और जिसके हाथ में कुछ नहीं हो वो निहत्ता होता है। इसी प्रकार से जो किसी काम का नहीं वो निठल्ला बैठा रहता है, जो कोई काम नहीं कर रहा वो निठल्ला होता है। उन, उनका मतलब होता है एक कम।
एक कम कैसे, देखिए 59 यानी 60 में से एक कम 59 हो गया, 29 30 में से एक कम, उन मतलब एक कम हो जाना, 49 50 में से एक कम, 69 70 में से एक कम, 69 तो उन इसका मतलब होता है एक कम होना। इसी प्रकार से हिंदी का एक अन्य उपसर्ग है शू, इसका अर्थ होता है अच्छा, शू अच्छा अच्छा, सुपुत्र अच्छा पुत्र, अच्छा बेटा लायक बेटा, सुरूप जैसे रूप है, रूप का मतलब सुंदर, सुरूप यानी बहुत अधिक सुंदर, सुजान अच्छा जानकार, सुघड़ अच्छा घटित घटित घड़ा हुआ, सुरक्षा रक्षा शब्द से पहले सु जुड़ा हुआ है, रक्षा यानी कि बचाव करना, सुरक्षा पूर्णतया पूरी अच्छे से रक्षा करना वो सुरक्षा। इसी प्रकार से अन्न इसका अर्थ होता है रहित या के बिना, अन्न यानी उसके बिना, जो भी कोई चीज़ रहेगी उसके बिना उसके रहित, जैसे अनपढ़ पढ़े बिना या पढ़ाई के रहित वो हो गया अनपढ़ अनपढ़, अनजान जान यानी जानना, अनजान नहीं जानना, जिसको नहीं जानते हैं वो अनजान हो गया, अनबन बन बनना किसी के साथ जमना, किसी के साथ बातचीत की अच्छी जम जाना, अच्छी बातचीत करना, हर बात में एक दूसरे का सहयोग करना, अच्छे से उसकी बात को समझना, तो वो जन बनना होता है कि मेरी उसके साथ बनती है नहीं, मेरे साथ उसके साथ नहीं बनती है, तो वो बन हो गया। लेकिन अनबन यानी बिल्कुल नहीं बनना, बिल्कुल एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं जमना, किसी भी बात को लेकर के वाद विवाद पैदा हो जाना, वो होती है अनबन, यानी किसी ने कुछ बात बोली तो उसको नहीं मानना, वो अनबन हो गई। अनमोल जिसका कोई मोल नहीं है, जैसे मोल 2 रुपये 5 रुपये 50 रुपये 20 रुपये 100 रुपये 1000 रुपये, लेकिन जिसका कोई मोल ही नहीं है वो अनमोल है। अनदेखी बिना देखी हुई चीज़, तो वो अनदेखी हो गई, देखी अनदेखी यानी देखने के बाद भी उसको नहीं देखना, वो अनदेखापन हो गया कि नहीं अनदेखा कर दिया, अनदेखी कर दिया यानी देखा नहीं है, यानी देखने के बाद भी नहीं देखना वो अनदेखा हो गया, जा रहे जाने के बाद नज़र पड़ गई सरसरी लेकिन अपन ने नहीं देखा कि वो क्या कर रहा है, तो ये हो गया अनदेखा। तो ये यानी नहीं या के बिना यानी अच्छे से देखना नहीं गया है, वो अनदेखा हो गया। अब इसी प्रकार से अगले अगले जो तीसरा प्रकार है उपसर्ग का वो है उर्दू फारसी के उपसर्ग। उर्दू और फारसी दोनों के उपसर्ग साथ में हैं। देखिए सबसे पहले उपसर्ग के बारे में अपन ने संस्कृत के उपसर्ग पढ़े, फिर अपन ने हिंदी के उपसर्ग पढ़े, और अब आ रहे हैं उर्दू फारसी के उपसर्ग। उपसर्ग क्या, हाँ बिल्कुल वही, यानी पहले जुड़ने वाले शब्द। अब उर्दू के कुछ शब्द हैं जैसे कम हम बद ला गिर खुश बे, तो ये हैं। अब इनका अर्थ क्या होता है और इनके शब्द नए शब्द क्या बनते हैं ये देखते हैं अपन। उपसर्ग है कम, इसका अर्थ होता है थोड़ा या हीन। जैसे नया शब्द है जैसे जोर, जोर के पहले कम जुड़ा, कम उपसर्ग लग गया तो ये हो गया कम जोर, यानी कि जोर यानी जो ताकत है वो कम ताकत वाला, तो वो हो गया कमजोर। कम खर्च, खर्च जो है वो उसमें कम करना कटौती करना वो कम खर्च हो गया। कम उम्र, उम्र हो जाना उससे कम होना, तो ये हो गया कम उम्र, यानी जो उसकी उम्र की एक सीमा रहती है वो कम उम्र हो गया। कम अक्ल, जिसमें अकल जितनी होनी चाहिए उसमें से कम अकल हो तो हम उसको बोलते हैं कम अकल, यानी जिस प्रकार से उसकी उम्र के हिसाब से जो अकल होनी चाहिए, सबकी अलग अलग होती है कि इतनी उम्र में ये अकल होनी चाहिए, इतनी उम्र है तो ये अकल होनी चाहिए, लेकिन अगर उसकी उसमें अकल नहीं है तो हम उसको कम अकल बोलते हैं। जैसे सपोज कीजिए क्लास 6 में अगर कोई बच्चा आ रहा है तो उसको हिंदी की बुक अच्छे से पढ़ना आना चाहिए स्पीड के साथ, इंग्लिश भी पढ़ना आना चाहिए उसको स्पीड के साथ, उसको टेबल्स आने चाहिए, उसको सबट्रैक्ट्स आना चाहिए, एडिशन आने चाहिए, उसको हिंदी इंग्लिश के एप्लीकेशंस आने चाहिए, छोटे छोटे उसको सेंटेंस बनाने आने चाहिए, हिंदी व्याकरण का थोड़ा उसको नॉलेज होना चाहिए। अगर उसको ये सब नहीं आता है इसका मतलब वो कम अकल है। अपने रिश्तेदारों के पूरे नाम उसको आने चाहिए, अपने रिश्तों के बारे में नाम आने चाहिए, रिश्ता कि ये भाई बहन मामा फूफा चाचा ताई इस तरह के जो शब्द हैं वो उनको कंप्लीट
होना चाहिए उसको, तो ये अकल वाली। अब वो है कि उसको कम अकल हो गई। अब यही चीज़ अगर क्लास वन के बच्चे के साथ सोचे कि उसको सारा पता होना चाहिए, तो नहीं होगा, क्योंकि वो अभी छोटा बच्चा है, उसको इतनी उम्र नहीं है, तो हम उसको कम अकल नहीं कह सकते। तो ये इस प्रकार से कम का मतलब थोड़ा या हीन होता है। अगला है हम, इसका मतलब होता है साथ, यानी साथ साथ। हम सफ़र यानी साथ में सफ़र करने वाला, जैसे अपन कहीं बैठ के जाते हैं, जैसे जबलपुर जा रहे हैं ट्रेन में बैठ के, और उसी ट्रेन में अगर कोई दूसरा साथ में बैठा है बैठी है, तो वो हो गया हम सफ़र। हम शक्ल यानी उसी जैसी शक्ल वाला, उसको हम शक्ल बोलते हैं। जैसे अपने को नहीं पता रहता कि एक भेड़ है और वैसी ही दूसरी भेड़ रहती है, अपन नहीं समझ पाते कि ये वो वाली भेड़ है कि ये वाली भेड़ है, तो ये हो गए हम शक्ल। हम जोली हमेशा साथ वाले। हम राज जिनका राज एक हो, जो राज हो, जो रहस्य हो, जो काम की बात हो, जो सबको पता नहीं हो, उसको हम राज बोलते हैं। हम उम्र जिसके उम्र समान हो, यानी एक जैसी उम्र वाले हो, अगर तो एक 8 साल का है तो दूसरा भी 8 साल का ही हो, यानी लगभग एक आध दिन ज़्यादा हो, एक आध महीना ज़्यादा हो, लेकिन निश्चित नहीं है, तो हम उसको हम उम्र बोलते हैं कि 8 साल के लगभग वो होगा, 8 साल का ही होगा, तो ये हम उम्र हो गया। वो भी 20 साल का, ये भी 20 साल का, इसका मतलब वो हम उम्र हो गया। तो हम उम्र यानी बराबर, लगभग साथ साथ साथ। अगला उर्दू फारसी का ही उपसर्ग है बद, इसका मतलब होता है बुरा। बद यानी बुरा, जैसे बद तमीज, तमीज तहलीज जिसको बोलते हैं, तहजीब, तो तहजीब जिसमें नहीं है, जिसमें तमीज नहीं है, जिसको अकल नहीं है, उसको बोलते हैं तमीज वाला, लेकिन जिसको नहीं है तो हो गया बद तमीज। इसी प्रकार से बदसूरत, जिसके साम शकल सूरत से अच्छा नहीं है, वो हो गया बदसूरत। जिसकी किस्मत अच्छी नहीं हो तो वो हो गया बदकिस्मत। जिसका नाम अच्छा नहीं हो, जिसका नाम लेते ही गुस्सा आने लगे, लोग छी करने लगे, वो बदनाम हो गया। जिसका नाम अच्छे कामों के लिए नहीं, बुरे कामों में जिसका नाम लिया जाता है, वो बदनाम। बदबू, बू यानी महक, लेकिन जब वो ख़राब आती है तो उसको बोलते हैं बदबू। जैसे नाली में से आती है तो बदबू है, यानी वो आपको अच्छी नहीं लगती है, तो वो बू है, महक रही है, सड़ रही है, तो वो बदबू यानी खराब बू, खराब महक। इसके बाद है ला, ला इसका मतलब होता है रहित या बिना, यानी के बिना। जैसे ला इलाज, जिसका कोई इलाज नहीं है, या इलाज के बिना। ला जवाब, जिसका कोई जवाब नहीं है, उसके बराबर कोई दूसरा जवाब नहीं, वो लाजवाब। ला परवाह है, जो किसी की परवाह नहीं करता, चिंता फिक्र नहीं करता, लापरवाह है। लापता, जिसका कोई पता ठिकाना नहीं है, वो लापता हो गया। लावारिस, जिसका पीछे कोई वारिस नहीं है, जिसका पीछे कोई मालिक नहीं है, जिसका कोई धनी धुरी नहीं है, कि कोई भी हो, किसी सामान रख के चला गया, उसका कोई मालिक नहीं, तो वो लावारिस हो गया। इसी प्रकार से अगर कोई आदमी है, कोई बच्चा है, कोई भी है, और अगर उसके पीछे घर परिवार में कोई नहीं है, तो वो लावारिस हो गया, कि बोलने वाला नहीं कि ये हमारा है, तो ऐसा जिसका कोई वारिस नहीं हो, जिसका कोई मालिक नहीं हो, जिसका कोई सगा संबंधी नहीं हो, वो हो गया लावारिस। इसी प्रकार से अगला है गैर, गैर यानी बिना, नहीं होना। जैसे गैर जिम्मेदार, जिम्मेदारी के बिना, यानी बिना किसी जिम्मेदारी के वो हो गया गैर जिम्मेदार, जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हो। गैर हाजिर, जो हाजिर नहीं हो, वो गैर हाजिर, अनुपस्थित। गैर कानूनी, जो कानूनी प्रक्रिया के तहत ठीक नहीं हो, वो गैर कानूनी। तो इस प्रकार से गैर इसका अर्थ होता है बिना, जो ठीक नहीं हो। खुश, खुश का इसका अर्थ होता है अच्छा, खुश इसका अर्थ हो गया अच्छा। अगला नया शब्द है, जैसे खुश नसीब, जिसका नसीब बहुत बढ़िया हो, तो उसको बोलते हैं खुश नसीब। खुश दिल, जिसका दिल बहुत खुश हो। खुशबू, जिसमें बहुत अच्छी खुशबू, जिसमें बहुत अच्छी महक आ रही हो, गंध आ रही हो, बहुत अच्छी वाली हो, उसको हम खुशबू बोलते हैं। खुश किस्मत, जिसकी किस्मत अच्छी हो, वो हो गया खुश किस्मत। जैसे बद किस्मत, खराब किस्मत वाला, खुश किस्मत, अच्छी किस्मत वाला। बदबू, खराब महक, खुशबू बहुत ही अच्छी खुशबू। बद नसीब, खराब नसीब वाला, खुश नसीब, अच्छे नसीब वाला। तो ये आपके खुश के अर्थ हो गए और नए शब्द हो गए। बे, बिना या रहित, बे एक उपसर्ग है
और इसका अर्थ बिना या रहित होता है। जैसे बेशर्म, बिना शर्म वाला, बेरहम, बिना दया वाला, बिना रहम करने वाला, बेदाग, जिस पे कोई दाग नहीं हो, बेहोश, जिसको होश नहीं हो वो बेहोश। तो इसका मतलब बिना या नहीं होना है। जैसे बेशर्म, जिसको शर्म नहीं हो, बेरहम, जिसमें कोई रहम नहीं हो, कोई दया नहीं हो, बेदाग, जिस पे कोई दाग नहीं हो, बेहोश, जिसे कोई होश नहीं हो। तो ये आपके उर्दू फारसी के उपसर्ग, ये हो गए कम, हम, बद, ला, गैर, खुश, बे, इनके अर्थ और इनसे नए शब्द। तो ये आज उर्दू फारसी के उपसर्ग हो गए। अगला है संस्कृत के कुछ अव्यय। ये अव्यय है, इसका कोई खुद का कुछ नहीं होता, ये कटता नहीं है, खुद कम नहीं होता, व्यय नहीं होता। जैसे सत, इसका अर्थ होता अच्छा, तो ये है जैसे सत्कर्म, अच्छा कर्म, सत्कार, अच्छा कार्य, सत्संग, अच्छे लोगों की संगति, सज्जन, अच्छे लोग, तो सत अच्छा। चिर, बहुत समय, लंबे समय तक, चिर आयु, चिर आयु, चिर आयु, तो लंबे समय तक, लंबी उम्र तक। चिरंजीव, चीर अंजीव, यानी लंबे समय तक जिंदा रहने वाला, चिरकाल, लंबे समय से चले आने वाला, चिर स्थाई, लंबे समय से स्थाई रहने वाला। पुनः, फिर, दोबारा, पुनर्जन्म, फिर से जन्म, दोबारा जन्म, पुनर्निर्माण, पुनः निर्माण करना, पुनर्निर्माण, मकान को जैसे तोड़ फोड़ करके उसी को फिर से बनाते हैं ना, उसको पुनर्निर्माण बोलते हैं। नई जमीन पे मकान बनाना वो निर्माण हो गया, लेकिन पहले से मकान बना हुआ है उसी को तोड़ना फोड़ना फिर उसकी जगह बनाना पुनर्निर्माण हो गया। इसी प्रकार से पुनर्मिलन, पुनः मिलन, दोबारा से मिलन, पहले वहीं रहते होंगे फिर बिछुड़ गए और फिर वापस अगर कोई आ गए तो उसको पुनर्मिलन बोलते हैं। जैसे मान लो कोई कहीं मेले में चले गए, वहाँ बिछुड़ गए, आगे पीछे हो गए, रास्ता भटक गए और कहीं इधर उधर बच्चा दूसरी जगह चला गया, उसके बाद में फिर वो दूसरे दिन या दो घंटे बाद या पाँच घंटे बाद जब वापस आता है तो बच्चा भी खूब रोता है, उसके मम्मी पापा भी जब मिलता है तो खूब रोते हैं। तो ये पुनर्मिलन हुआ, तो वो जो वापस जो मिलन होता है, पहले साथ में थे, अलग हो गए, फिर वापस मिले, तो ये पुनर्मिलन हुआ। तो इस प्रकार से पुनर् यानी फिर से या दोबारा से इसका अर्थ होता है और पुनर्मिलन उसी का शब्द नया शब्द बनता है। अंतर, इसका मतलब होता है अंदर, जैसे अंतरात्मा, आत्मा में बोलते हैं, तुम अपनी अंतरात्मा से यानी अपनी खुद की आत्मा में सोच करके बताओ। अंतःकरण, अंदर के, खुद के अंतःकरण की बात है। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्र के अंदर, अंतर्राज्यीय, राज्यों के अंदर, अंदर अंदर अपने राज्य में, जैसे मध्य प्रदेश राज्य है तो केवल मध्य प्रदेश के अंदर, तो हो गया अंतर्राज्यीय। अंतर्राष्ट्रीय, एक राष्ट्र के अंतर, यानी जो राष्ट्र की सीमाएं हैं, जैसे भारत देश की सीमाएं उसके अंदर होगा तो वो अंतर्राष्ट्रीय हो गया, वो अंतर्राज्यीय हो गया। उसके बाद शय, शहीद, शय यानी शहीद, शय हर्ष, हर्ष शहीद, बड़े हर्ष के साथ। शय कुशल, कुशलता के साथ। शय जल, पूरा जलापूर्ति, जल सहित, यानी जैसे बोलते हैं ना सजल नेत्र से, यानी आँखों में आंसू लेते हुए, और जो है वो सजल हो गया। बादलों के लिए बोलते हैं सजल बादल, यानी बादल जो है वो जल लेकर के आ रहे हैं, काले बादल पानी दे दो तो वो सजल होते हैं, उसमें पानी रहता है तो वो सजल होगा। इसके अलावा यदि वो पानी सहित नहीं है, ऐसे केवल खाले बादल हैं तो उसको हम सजल नहीं बोलेंगे। सहर्ष यानी हर्ष में भी, हर्ष सहित, बहुत ज़्यादा आनंदित होकर के हम सहर्ष आपका स्वागत करते हैं। शय कुशल, कुशलता सहित शायद आप वहाँ पहुँच गए होंगे या शय कुशल अपने घर पहुँच जाएंगे, तो क्यों ये जो है सहर्ष, शय कुशल, सजल, इनमें शय जो है वो संस्कृत के अव्यय है। देखिए दो चीज़ें आ रही है बेटा, कल अपन ने पढ़ा था संस्कृत के उपसर्ग और आज अपन पढ़ रहे हैं संस्कृत के कुछ अव्यय। तो अव्यय हैं ये भी उपसर्ग हैं, वो उपसर्ग हैं ये अव्यय हैं, दोनों को थोड़ा सा देख लेना, दोनों पहले ही लगते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि अव्यय और उपसर्ग दोनों हैं संस्कृत के ही हैं, इनमें भूलना नहीं है। उपसर्ग कौन से हैं, अव्यय कौन से हैं, इनको आप एक बार फिर से देखेंगे, दोनों वीडियो, कल वाला वीडियो, ये वीडियो एक बार फिर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि संस्कृत के उपसर्ग और अव्यय दोनों में क्या है। इनको कन्फ्यूज नहीं होना है, पहले लगते दोनों पहले ही हैं, उपसर्ग ही हैं ये भी, वो भी उपसर्ग है, लेकिन ये अव्यय है।
इनका हमेशा एक ही अर्थ होता है, इसका कोई अर्थ चेंज नहीं होता, सदैव एक ही रहता है, यानी इसका दूसरा कोई अर्थ नहीं निकलता, एक जैसा अर्थ निकलता है हमेशा, दूसरा कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए इनको अव्यय बोलते हैं। जबकि संस्कृत के जो उपसर्ग हैं उनका अर्थ कई बार दूसरे शब्द के साथ बदल जाता है, थोड़ा सा बदल जाता है, जैसे ऊपर में देखो उर्दू में रहित और बिना दो शब्द दिए हैं, इसी प्रकार से उसमें भी इस तरह से थोड़ा सा परिवर्तन होता है। तो आप इस चीज़ को देख लेंगे, एक बार फिर से वीडियो देखेंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। इन्हीं के साथ में आज इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद, ओके।